वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका लॉ के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों बिलीव मी, आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत सारी नई नई चीजें आज सीखने को मिलने वाली है। सर सबसे पहले तो जो आपको ये इमेज दिख रहा है राइट, कभी आपने इस स्टैच्यू को देखा है, न्याय की देवी कहा जाता है इन्हें, और कभी आपके दिमाग में ये दिल में ये सवाल आया होगा कि सर इनके आंखों पर ये पट्टी क्यों बांधी होती है राइट। बहुत बार आपने अगर केडी पाठक का अदालत अगर ये सीरीज देखा होगा, जो सीरियल आता है, या फिर बहुत बार कभी आपने कोई मूवी देखा होगा उसमें ये चीज तो देखी ली होगी राइट। इसे बहुत बचपन से लेके अब तक ना ऐसे छोटे छोटे सवाल हमारे दिल में है। आज ये तो आंसर मैं दू गई, लेकिन इसके अलावा कि सर लॉ कैसे बनता है राइट, देन आफ्टर सर कि लॉ को मतलब जो सेक्शंस होते हैं, एक पेज एक मिनट मैं आपको आज कुछ लिख के दिखाता हूँ, तो मैं आपको समझिएगा कि आगे के पूरे लेक्चर को क्यों अच्छे से देखना है करके। बहुत बार ना अगर आपने अब तक लॉ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो आगे एक चीज आएगी आपको, या पढ़ लिया होगा तो ये आप इस चीज को फेस कर चुके होंगे। कुछ तो ऐसे लिखा होता है दोस्तों, कैसे देखना ध्यान से, अब ना बच्चा क्या करता है पता है, एज पर सेक्शन 2 और बाकी ना सब छोड़ देता है। तो क्या सर इसे सबसेक्शन कहा जाता है, क्या सर इसे क्लॉज कहा जाता है, सबसेक्शन मतलब क्या, क्लॉज मतलब क्या, ये सारी बातें मतलब लॉ ये पढ़ने का तरीका क्या होता है, ये भी आज आप इस सेशन के एंड तक समझने वाले हो। किसे सेक्शन कहा जाता है, किसे सबसेक्शन कहा जाता है, कि कौन सी डेफिनेशन को इंक्लूसिव मतलब, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब क्या, ये सारी बातें आज आप इस बेसिक के लेक्चर में सीखने वाले हो दोस्तों राइट। तो लास्ट तक देखिए, और जैसे कि सर आपका जो सवाल था कि सर अब ये बता दीजिए कि ये न्याय की जो देवी है राइट, ये इनके आंखों पे पट्टी क्यों बंधी रहती है। आपने कभी वो शो देखे है, म्यूजिक शो होते देखो, उसमें जो जजेस होते हैं वो सीट टर्न अराउंड करके बैठ जाते हैं और पीछे सिंगर गाना गाता है, और अगर उनको उसकी आवाज अच्छी लगी तो ही वो बटन को क्लिक करेंगे और उनका चेयर वो मूव होगा। सर क्या इसका मतलब भी था, मतलब वो ब्लाइंड ऑडिशन लेते हैं राइट, मतलब सर कि वो ये नहीं देखेंगे कि उसका हाइट क्या है, उसका रंग क्या है राइट, वो सिर्फ जस्टिस देंगे जो वो सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या, मतलब बायस व्यू नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, ये अमीर है ये गरीब है, ये काला है ये गोरा है, वगैरह वगैरह वगैरह, समझ रहा है। तो ये सिर्फ न्याय मतलब तुम लोग सिर्फ बोलते रहे कि एविडेंस लेके आओ, तुम लोग सच लेके आओ, मैं सच का क्या करोगे, सम्मान करोगे, दैट्स इट दोस्तों। और उस लॉ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं मतलब बेसिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये सुनना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद तो जनरल डिस्कशन होने ही वाला है जो इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अपने स्टूडेंट्स हर एंगल से इतने समझदार हो कि उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज ही ना मिले, बेसिक्स का मतलब सच में बेसिक की लॉ, सोर्स ऑफ लॉ, ये लॉ बनने का रीजन क्या है सर, ये लॉ हम बनाते क्यों है, क्या पर्पज है। दोस्तों अगर मैं आपको पूछूं क्या सच में आप लोग इतने ज्यादा सज्जन हो क्या कि आपको कभी किसी को मारने की इच्छा नहीं हुई, या आपने कभी किसी को इसीलिए नहीं मारा कि आप अच्छे हो, या इसीलिए नहीं मारा कि आपको लॉ का डर है कि अगर मैंने गलती से उसे मार दिया तो फिर शायद मुझे पुलिस लेके जाएगी। डर, ये जो डर, ये जो शब्द है ना फियर, ये सब लॉ का ना एक, मैं बोलता हूं ना कि एक बेस है। इंसान को समझा के लोग थक जाते हैं, इंसान नहीं समझता, उसे डर दिखाओ वो शांति से अपने आप अपनी जगह पे बैठ जाता है। सर बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आपने बहुत बार ये सुना रहेगा कि जो शाम के वक्त हम लोग क्या नहीं करते, घर में झाड़ू नहीं मारते राइट, शाम के वक्त नाखून नहीं काटते, या घर में झाड़ू मार के कचरा बाहर नहीं फेंकते करके, बराबर। जो अमोशा होता है राइट, अमोशा जो जिस दिन चांद नहीं दिखता उस दिन ट्रैवल मत करो, भूत पकड़ लेते हैं, शाम को झाड़ू मारोगे तो लक्ष्मी बाहर निकल जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी रहेगी। और जब आप मम्मी को पूछते हो ना, मम्मी बोलती मेरे को नहीं पता लेकिन ऐसे करना है तो करना है, नहीं किया तो बहुत मारूंगे। सर ये क्या था, ये फॉलो करता है ना कुछ तो कस्टम ट्रेडिशन हम फॉलो करते आ रहे, इसके पीछे कभी सोचा है कि क्या रीजन हो सकता है। पुराने जमाने के लोग बहुत ही ज्यादा होशियार थे दोस्तों, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे रूल्स तो इसीलिए बने हैं ताकि उस वक्त लाइट नहीं थी, मतलब सर कि अगर आप रात को अपने घर में राइट सफाई कर रहे हो और उस दौरान ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
कि वहां पे आपका कोई वैल्यूएबल चीज नीचे गिर गया है, आपने झाड़ू मारा और उस चीज को बाहर फेंक दिया, राइट? क्योंकि अंधेरे में तो दिखा नहीं, प्यार से बोला बड़े लोगों ने, मत करो मत करो, नहीं सुन रहे थे, बोला कर लक्ष्मी भाग जाएगी, भिखारी हो जाएगा, फिर बोलते नहीं 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 करने का भाई, ऐसे नहीं चाहिए हमको, डर दिया ना, प्यार से बोला नहीं समझा, डर दिया लक्ष्मी भाग जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या, उनके आने वाले सात जज पुश्तों ने वो चीज फॉलो की, क्योंकि हर किसी को क्या हुआ, मैसेज फॉरवर्ड हुआ, ऐसा करेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे किया तो कंगाल हो जाएगा। रात को जो जब चांद नहीं होता अमोशा के दिन बाहर मत निकलो, वाय? क्योंकि तब लाइट में ट्रैवल होता था, मून लाइट इज द सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग, राइट? ट्रैवलिंग मतलब इज अ सोर्स ऑफ लाइट, मैं ऐसे कहूँ तो, ट्रैवलिंग का मतलब वहां पे तो स्ट्रीट लाइट थे नहीं, तो ट्रैवल करना है तो कौन सा लाइट रहेगा, मून लाइट। और जब वहां पे मून ही नहीं है तो कहते हैं ना रिस्क ज्यादा हो जाता है करके, तो अवॉइड करो उस पर्टिकुलर दिन बाहर जाना। नहीं सुन रहे थे, बता दिया, भूत चिपक जाते, राइट? और ऐसे बहुत सारे, अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं दोस्तों, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सो आप अगर देखोगे ना तो जो गल्फ कंट्रीज है जहां पे ना गर्मी बहुत ज्यादा थी, पानी की बहुत किल्लत थी, वहां से ये कल्चर भी बिल्ड हुआ है। अब सर आप तो लॉ बता रहे हो, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हम जो डेली लाइफ में चीजें देख रहे हैं, आप थोड़ा अवेयरनेस से देखोगे ना तो लॉ और कुछ नहीं है, आप हर दिन अपने बनाए हुए खुद लॉ भी फॉलो कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेन जो पढ़ाई के लॉ है वो समझना है, और वो कोई ऐसे नहीं कि तोड़ किसी ऊपर से आगे करके, हम ही इंसानों ने बनाए हुए हैं। जब आपको ये बातें समझेगी तो आपको ये भी समझ जाएगा कि यार वो चीज हमने ही बनाई है, हमारे बेनिफिट के लिए बनाई, तो लर्न करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। अच्छा सर वो क्या बोल रहे थे आप मुस्लिम कम्युनिटी का, अच्छा मेरे बहुत दोस्त है तो मैंने उनसे जब बात की तो मुझे ये चीजें समझी करके, मेरे बहुत बोलते ना कि क्लोज फ्रेंड में से है, तो उन्होंने कहा कि भाई देख क्या होता था कि आप कभी भी नमाज पढ़ने जाओगे ना, आपने सुना रहेगा कि शुक्रवार के दिन वो नहाते करके, पुरानी बात होगी, आज तो बहुत ज्यादा कम्युनिटी डेवलप्ड हो गया है और इन चीजों में बहुत कम विश्वास रखते हैं, बहुत ज्यादा वो बोलते ना कि क्लीननेस का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसे हमने सुना है, तो सर ये क्यों था, मतलब नमाज पढ़ते वक्त थोड़ा ही पानी लगाना हाथों को, बराबर? ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे पानी की जो दिक्कत थी या किल्लत थी ना, उसकी वजह से लॉ कुछ ऐसे बने कि पानी का सबसे ज्यादा सोच समझ के बोलते ना कि वो यूज इस्तेमाल करते हैं, वैसे उनके जो डेली रूटीन है, जो स्ट्रक्चर है, जो उनका बिहेवियर है, उसमें आपको दिख के आएगा। सर ये जो बहुत सारे लॉज है, फिर आप कुछ भी एक बार एक ऑब्जर्व करो तो पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीज आएगी। ग्रीन कलर क्योंकि सर ऐसे कहा जाता है, अब ये मिथ है, इस चीज के लिए मैंने बोलते ना कि सब्जेक्ट जो सोर्स मेरे पास आए उससे आपको बता रहा हूं कि भाई दिन भर इतना गर्मी सहन करना, और पता है आपको रेत में गर्मी इतना डबल, मतलब जो आप नॉर्मल फील करते हो वहां पे जो सैंड होती है वो डबल गर्म हो जाती है, लेकिन ठंडी भी उतना जल्दी होता है, वो ठंडा हो जाता है मतलब रात के जब चांद निकलता है तो एक पीस मिलता था उनको, तो राइट अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पे जो मून दिखता है, राइट, वो क्या किस चीज का वो प्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि वो एक शीतलता देता था। तो सर ये चीज, ये धार्मिक विषय नहीं चल रहा है, मुद्दा ये है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम जितने भी हम लोग इंसान एक कम्युनिटी, हम लोग हर 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 कम्युनिटी में अपने अपने कुछ लॉज हो गए, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहे हो गए, और हर लॉ बनने का कुछ ना कुछ रीजन तो होता ही है, और उसी के रिगार्डिंग हम क्या बनाते हैं सर लॉ, क्यों? क्योंकि कुछ गलत हो रहा है, वो गलत नहीं होने देना, चलो फिर लॉ बना देते हैं, और लॉ तोड़ा तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा, और पनिशमेंट है इसलिए लोग वो चीज नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों को कुछ गलत नहीं लगता। आज आपको बोल दिया जाए ना 15 मिनट लो, जिसको खत्म करना है करो, आपको कोई सजा नहीं होगी, आपके आंखों में 2-4 चेहरे तो अभी आगे इसको बहुत मारना है, क्योंकि कोई सजा ही नहीं है। सोचो मतलब ये ऐसे अंदर ना वो इंसान रुका ही है कि जिस दिन हमको लॉ से मुक्त कर दो हम देखो क्या करते हैं, लेकिन ऐसे होगा क्या? नहीं दोस्तों, इसलिए आपको लॉ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंडिया में अगर रह रहे हो या कोई भी कंट्री में जाते हो, और आपका वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अगर आपने लॉ समझा है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। और आप अपने इतिहास, आजादी का इतिहास उठा के देख लो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब हजारों लोग रहेंगे, उसमें से जितने भी बड़े बड़े लोग थे ना, उन्होंने लॉयर या बैरिस्टर, आपने देखा होगा वकीली का बोलते ना कि डिग्री लिया हुआ था। क्यों सर? कि जब लॉ समझता है तो आपको अपने राइट्स समझते हैं, आपको ये समझता है कि यार कौन से लॉ गलत है, कौन से लॉ जान मतलब बोलते ना कि सिर्फ हमको दबाने के लिए लाए गए हैं, जो जस्टिस नहीं है, नेचुरल जस्टिस नहीं देते, सो ऑन। मुद्दा क्या है सर? आप कंपनी लॉ पढ़ो, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो, आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो, ये सारे एक्ट जो आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं, इसलिए बच्चों को लगता है अभी बाउंसर जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला।
आप जब डिटेल में मतलब उसको इस एंगल से पढ़ोगे कि नहीं यार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये थे, अब क्या करना है हमको, उस प्रॉब्लम आया और उस प्रॉब्लम को आगे फ्यूचर में ना आए, या फिर वो आएगा तो इसको ये पेनल्टी देना चाहिए, या फिर वो पेनल्टी पता है तो गलती करेगा ही नहीं, इसलिए पहले से आप लॉ पता आपको पता होना चाहिए। और आप क्या करोगे, किसी को गाइड करोगे। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो बिना समय गवाए यहां तक तो मेरा डिस्कशन आपको लगा होगा कि सर ठीक है चलो मान लिया आप जैसा कहते हो, लेकिन मुझे बताओ 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ दोस्तों, उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तीन साल बाद करीब करीब 1949 और 1950 के करीब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो लाया, अब मदर ऑफ लॉ इसे कहा जाता है कि इंडिया का एक भी लॉ, मैंने क्या कहा, इंडिया का एक भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूट के दिए हुए आर्टिकल्स को वायलेट नहीं कर सकता, या इसके परमिशन के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता। तो ये प्राइम सोर्स है, या ये बोलते ना कि ये सारे लॉ का ऊपर का सबसे बड़ा, सबसे बोलते ना सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर मिलती है, सबसे ज्यादा अगर किसी को फॉलो किया जाता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है करके। और यही से सोर्स ऑफ लॉ में अगर बात करो तो वन ऑफ द फंडामेंटल जो बातें देखनी रहती है लॉ बनाते वक्त, कुछ गलत तो ना हो जाए, कहीं पे हम एक्स्ट्रा बोलते ना बियॉन्ड द पावर जाके कुछ तो नहीं कर रहे, ये सारी चीजें आपको क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो एक चीज तो समझिए हमको कि लॉ बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक हाथ, बड़ा हाथ है क्या, अपना एक बहुत बड़ा रोल है करके, राइट। ओके सर। अब सर हम जिस कंट्री में रहते हैं, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसका अगर जवाब आए तो अच्छी बात है, अगर आपको जवाब नहीं आएगा तो मैं जो जवाब देने वाला हूं वो ध्यान में रखना, तो नेक्स्ट टाइम कोई और वो सवाल पूछेगा तो आंसर दे देना, सर क्या बोला आपने नहीं समझा, ठीक है बेटा जिनको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा आगे ध्यान से सुनना। इंडिया में कौन सा बोलते ना कि सिस्टम चल रहा है, फेडरल गवर्नमेंट जो चल रहा है, राइट, फेडरल सिस्टम चल रहा है करके, मैं क्वेश्चन का नहीं अभी आंसर देता हूं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, सर फेडरल सिस्टम मतलब क्या, हमारे इंडिया में दो गवर्नमेंट होता है, दो मतलब क्या, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ यू कैन से इट मोदी गवर्नमेंट, एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट। सो सर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इन दोनों के पास अपने अपने हिसाब से लॉ बनाने के राइट्स होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये दो गवर्नमेंट भी किसके आगे नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे नहीं जा सकते। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बनाया है ये सिस्टम कि दो गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम इसको ही कहा जाता है कि सेंट्रल लेवल का मेन गवर्नमेंट रहेगा और स्टेट लेवल का एक अपना गवर्नमेंट रहेगा, और दोनों अलग अलग भी हो सकता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो आज महाराष्ट्र में क्या है, राइट, आज महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की एक गवर्नमेंट है, और हम लोग सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल की तो बीजेपी है, दो अलग अलग गवर्नमेंट हो गए सर। हाँ तो सर लॉ कौन बनाता है, हम इंसान बनाते हैं क्या, नहीं, बहुत ही लंबा प्रोसीजर है ये, सिर्फ आप सुनना तो आप जो लॉ पढ़ने वाले ना बुक में आपको पता चलेगा, अरे हाँ ये तो ऐसे बनता था करके, लेकिन इसको राइट किसने दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों जैसे हम लॉ में सेक्शंस पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 444 आर्टिकल के साथ मतलब नियर अबाउट 12 शेड्यूल्स है, राइट, और हर आर्टिकल और शेड्यूल में आपको अलग अलग बातें दी हुई है। और अगर मैं लॉ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल की बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो 7th नंबर का शेड्यूल जो होता है उसने गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है, क्या किया है, गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप लोग लॉ बना सकते हो, और तीन लिस्ट बताई है सर, कौन से तीन लिस्ट बताई है दोस्तों, ये देखो स्क्रीन पे, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये क्या होता है लिस्ट, मतलब कहा ना आपकी जिंदगी बहुत सॉर्टेड है, आपको इतना इतनी सारी चीजें परोस के दी है ना, ये आप मतलब ऐसा हो गया कि आपको भूख लगी आपके सामने थाली ला के रखी है, अब खाना किसे पड़ेगा सर, हमें ही तो खाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो भी एफर्ट्स नहीं ले रहे, आप पहले जिन्होंने बनाया ना उनकी जिंदगी गई है इसमें, 20-30-25 साल सोचने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, अपने इंडिया को समझने के बाद, 150-130 करोड़ की आबादी को, राइट, 130 प्लस जो करोड़ की आबादी है, उस लोगों को, उस स्ट्रक्चर को, उस ज्योग्राफी को इतना घूमने के बाद, सारी चीजें समझने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनाई, लिस्ट में अब आपको देखना है कि कौन सा एक्ट कहां पे बनता है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन लिस्ट, उन्होंने कहा है कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से सुनना, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को
सेंट्रल लेवल के लॉ बनाने के सारे परमिशन है, और सर यहाँ पे आप पूरा इंडिया का मैप देख रहे हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ फिजिकल बाउंड्री ही नहीं आएगी, 12 नॉटिकल माइल मतलब पानी में। आपको लगता होगा कि सर जैसे ही समंदर चालू हुआ इंडिया का बाउंड्री खत्म हो गया क्या? नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होगे तो समंदर के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल तक, कितना कहा मैंने, 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का क्या बोलते हैं बाउंड्री को देखा जाता है। तो भारत सरकार ने बनाए हुए लॉ पूरे इंडिया में, और कहां पे सर 12 नॉटिकल माइल जो वाटर है वहां तक भी एप्लीकेबल रहेंगे। सर अब थोड़ा एग्जांपल दो ना, जैसे कि कोई एक्ट का नाम बताओ ना तो हमको समझेगा कि अच्छा सर इसे आपने 12 नॉटिकल माइल में इंक्लूड किया है करके। इसे किलोमीटर में तो नहीं गिन सकते हम, बराबर कि नहीं दोस्तों? यस सर। तो अगर मैं आपको कहूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, अगर मैं आपको कहूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर मैं आपको कहूँ ऐसे जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट, ये वही एक्ट के नाम ले रहा हूं जो आप अभी फॉलो कर रहे हो करके, तो ये जो एक्ट है ना दोस्तों ये कौन से लेवल के पता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। कॉन्करेंट में ये बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्या क्या पावर है और कौन से लॉ बना सकती है, और सबको सारे कंट्री को एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेन है ना, क्योंकि हम देश हित में बात कर रहे हैं। व्हाट इज सर स्टेट लिट? बहुत सिंपल है, जैसे सेंट्रल यूनियन जो लिस्ट था आपका उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के बारे में बताया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर बताया है, वैसे स्टेट लिस्ट में एक एग्जांपल लिया है स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट, राज्य अपने हिसाब से जो उनको लगता है सही लॉ बना सकती है। सर एग्जांपल दीजिए इंडिया में, सर मैं यहां पे लेके आता हूं आपको, इतने सारे राज्य हैं, एक राज्य में एक स्टेट में लिकर बैन है, एक स्टेट में खुलेआम लोग लिकर पी रहे हैं, गोवा में जाओ तो पूछो ही मत, टेंशन ही नहीं है, टैक्स भी नहीं लगता वहां पे तो शायद, राइट, ऐसे सुना है मैंने, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं लेकिन सुना है। एक राज्य में सर गुटखा बैन है, दूसरे राज्य में गुटखा चल रहा है। सर एग्जांपल दूं तो गुजरात में लिकर बैन है, महाराष्ट्र में लिकर ऐसे ऊपर, मतलब क्या आप देखो कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा लाइन, अगर आपने न्यूज चैनल देखा रहेगा तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी वहां पे। तो ऐसा क्यों सर, अगर लिकर खराब है बैन करना है तो सब हर जगह बैन कर दो ना। राज्य डिसाइड करेगा कि जब उसके रेवेन्यू की बात आती है तो पर्टिकुलर लॉ बनाने का जिम्मेदारी कौन से लिस्ट में, सर स्टेट लिस्ट में किसको दी है, राज्य सरकार को दी है। तो जब आप सर ये हमको मिल जाएगा, हाँ 7th शेड्यूल यू आप स्टेट लिस्ट डालोगे गूगल करोगे तो भी आपको बहुत सारी बातें दिखेंगी करके। पर्पस क्या था, बेसिक में आपको सिर्फ एक झलक पहुंच जानी चाहिए कि भाई क्या था करके, ऐसे नहीं कि हर चीज हमको नहीं लगे। ओके सर, एंड व्हाट डू मीन बाय कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल दोनों लिस्ट कंबाइन हो जाती है। जैसे कि सर जीएसटी आप देखोगे तो दोनों ही स्टेट में लगता है क्या, मतलब स्टेट और सेंट्रल में लग रहा है क्या? हाँ सर, यस सर, एग्जांपल दो ना अभी बताता हूं। आपने बहुत बार जीएसटी जब सुना होगा दोस्तों तो एक बात तो फॉर श्योर सुनी रहेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर ये क्या है सीजीएसटी एसजीएसटी? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों, मतलब जीएसटी तो एक ही एक्ट है ना, लेकिन क्या जो स्टेट पे भी एप्लीकेबल हो रहा है सेंट्रल पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब उस हिसाब से समझ में आ रहा है दोनों के, मतलब स्टेट के भी कुछ राइट है उसमें और सेंट्रल के भी कुछ राइट हो गए, तो दैट्स व्हाई से मैं कॉन्करेंट लिस्ट में लेके आता हूं। दैट्स इट सर। तो भाइयों और बहनों मुद्दा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल राइट देता है लॉ बनाने को गवर्नमेंट को अलग अलग? तो आप बोलोगे सर 7th शेड्यूल। अच्छा उसमें कितने लिस्ट है? आप कहोगे 3 लिस्ट है। कौन से? एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या यहां तक आपको समझा क्या? हाँ सर, मैं अभी भी बहुत हिस्ट्री में नहीं गया, मैंने बेसिक जो बताना था बता दिया, बताने जैसा बहुत कुछ है कि कस्टम से कैसे लॉ आता है, फिर जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है उससे बना के कैसे लॉ को देखा जाता है, बहुत सारी बातें करेंगे आगे, बहुत सारे लेक्चर के उसमें वो भी बात करेंगे, लेकिन अब हमको पॉइंट पे आना जरूरी था इसलिए मैं थोड़ा आपको बेसिक बातें बता के कैसे ह्यूमन लाइफ में प्रैक्टिकल हम जो बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं वो देख के, मतलब लॉ उसे भी लॉ ही कहा जाता है, अब हम सिर्फ
हमारे बिजनेस से रिलेटेड या फिर हमारे लाइफ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अर्न करा के देने वाला है, राइट, जिसके लिए आप यहाँ पे आके बैठे हो, समझ रहे हो चीजों को, वो लॉ कहाँ से आए, वो अगर आपको समझना होगा तो एक भी लॉ इस शेड्यूल के बाहर नहीं है, जो भी आप पढ़ो इसके अंदर ही आएगा। तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पूरे सेंट्रल लेवल की बात करेगा, स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट की बात करेगा, कॉन्करेंट दोनों की बात करेगा। नाउ सर हाउ टू मेक लॉस, सर कैसे लॉ बनता है, सबसे पहले स्टैंडिंग कमिटी को बनाया जाता है दोस्तों। सर व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग कमिटी, मतलब आज मोदी जी को लगता है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, क्या मोदी जी को लगा और कल जाके बोला लॉ पास, ऐसे होता क्या? नहीं। तुमको लगता है कि सर एक नया लॉ बनाना है, एक काम करते ना, अपन ना एक काम करू यार, आज सोचा ना, आज सपना आया कि ऐसे करना चाहिए, भारत इससे बहुत सुधर जाएगा, आज सपना है, रात को लॉ पास, ऐसे होता क्या? नहीं। ये बहुत ही बोलते ना सिस्टमैटिक प्रोसीजर है दोस्तों। क्या एक कमिटी बैठती है, उस कमिटी में जैसे कि आपने ना अलग अलग शर्मा कमिटी, वर्मा कमिटी, राइट, उसके बाद बहुत ऐसे अलग अलग कमिटी का नाम सुना रहेगा। ये क्या होता है सर, उस फील्ड के एक्सपीरियंस लोग, कुछ मैच्योर्ड लोग, उनको इकट्ठा किया जाता है और कहा जाता है कि भाई हमें ना इस मुद्दे पे आप स्टडी करो, देखो समाज व्यवस्था क्या चल रही है, देखो कि किस लेवल पे हम लॉ बनाना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, व्हाटएवर, आप लोग हमें सुझाव दीजिए। समझ रहा है क्या? स्टैंडिंग कमिटी क्या करती है, सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करती है, सारी बातों को, मतलब जो जो उन्हें लगता है कि जरूरी है वो इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट बनाती है। सर ये सफर जो हम देख रहे हैं वो सफर है ड्राफ्ट से लेके कहां तक, ड्राफ्ट से लेके एक्ट तक। कोई भी लॉ सबसे पहले ड्राफ्ट के फॉर्मेट में ही होता है। सर हमारी लैंग्वेज में बताओ ना, हमको अकाउंट में आपने 12वीं में बिल ऑफ एक्शन चैप्टर पढ़ा रहेगा, जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट ही कहा जाता है ना, अंटिल एंड अनलेस, जब तक वो ड्रॉई एक्सेप्टेंस ना दे, और एक बार वो ड्राफ्ट एक्सेप्टेंस साइन हो जाता है फिर उसे बिल ऑफ एक्सचेंज में, मतलब लीगल फॉर्मेट में, या बिल ऑफ एक्सचेंज आप कहते हो करके, आई होप मैं क्लियर हूं। तो सर एक ड्राफ्ट बनाते हैं कमिटी, वो कैबिनेट के पास सेंड करती है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए, जैसे कि पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों का जब अप्रूवल हो जाता है, वोटिंग आपने देखी होगी सेंट्रल लेवल के जितने भी बड़े बड़े एक्ट बनते करके, वो यस और नो में वोट देते करके, राइट, इसके बाद ये पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, जैसे कि अपने प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद जी, वो जब साइन करते हैं उस पे, वो ड्राफ्ट पे वो जब साइन मारते हैं, तो उसके बाद वो लॉ ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सर इतना बड़ा प्रोसीजर था, सिंपल बात नहीं लॉ बनाना, आपने स्टैंडिंग कमिटी से लेके जो ड्राफ्ट बनाया था उन्होंने, पार्लियामेंट में जब वो चीज गई, लोकसभा राज्यसभा में जब वो चीज क्या हुई, पास हुई, प्रेसिडेंट के पास वो चीज भेजी गई, राष्ट्रपति जी अपने, उन्होंने वापस उस चीज को पढ़ा, और इस दौरान आप कहोगे सर लोगों की राय नहीं ली जाती क्या, ली जाती है लोगों की राय भी। जो ड्राफ्ट होता है कभी कभी वो न्यूज पेपर में या पर्टिकुलर एक मीडियम के थ्रू लोगों को बोलते हैं कि हम लोग एक जो लॉ बना रहे पर्टिकुलर चीज पे, आपके कुछ सुझाव है क्या, आपको कुछ कहना है क्या, लोग बहुत बातें कहेंगे, हमको क्या, हमको जब सुझाव कोई मांगता है, इंडिया में तो फ्री में एडवाइस ऐसे ही मिलते, किसी से एडवाइस लेने चले जाओ कोई आपको मना नहीं करेगा, फ्री में ज्ञान बांटने के लिए इंडिया के बहुत लोग बैठे हैं, ज्ञान बांटने के लिए बोला मैं, ओके। सो अब ये चीज आप देखोगे, क्या सारी बातें एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं, एक सब्जेक्ट टू स्टैंडिंग कमिटी को क्या लगता है, सुझाव लाखों आए उसमें से एक भी डंका नहीं था, सारे रिजेक्ट मार दिए, और होगा एक दो वैलिड तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे करके, समझ में आया, तो लोगों का भी ओपिनियन लिया जाता है करके, प्रेसिडेंट जी को अच्छा लगा, साइन मार दिया, ड्राफ्ट एक्ट में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ रहा है सर, और लॉ ऑफ लैंड मतलब फिर वो भारत में अपना एक लॉ बन जाएगा करके। सर वैसे स्टेट में भी, ये तो मैंने आपको सेंट्रल लेवल का बताया, स्टेट लेवल का लॉ बनाना है तो क्या सर, वापस स्टैंडिंग कमिटी होगी, वापस वो ड्राफ्ट बनाएंगी, लेकिन यहाँ पे विधानसभा के पास जाएगा वो चीज, जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट मेन होता है, होते हैं सॉरी, जैसे सेंट्रल में प्रेसिडेंट मेन होते हैं, वैसे ही स्टेट में गवर्नर मेन होते हैं, तो वहां पे जो मेन एक्ट है उसको कंसेंट या परमिशन लेने के लिए स्टेट लेवल का एक्ट, जैसे मैंने स्टेट लिस्ट कही थी ना, वो कहां पे जाता है साइन के लिए या फिर एक्सेप्टेंस के लिए, गवर्नर के पास जाता है, और महाराष्ट्र के गवर्नर तो आप सबको पता ही होगे करके, बहुत बार न्यूज में आई गए है, ठीक है सर। So, ऐसे याद आ रहा होगा टोपी पहनते करके, राइट, जो महाराष्ट्र के बच्चे उनको तो याद आ ही गया होगा, राइट दोस्तों। हाँ, तो फिर गवर्नर के साइन होने के बाद वो वापस एक्ट में
लॉ कन्वर्ट हो जाता है करके, मतलब तो ड्राफ्ट एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझी। देखो क्या स्ट्रक्चर था सर, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा, सुप्रीम बोलते हैं ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हर चीज फॉलो होगी उसके हिसाब से, वो वाली चीज देखी। सेवन शेड्यूल में क्या बताया वो देखा, तीन लिस्ट देखा, यूनियन कॉन्करेंट बोलते रहो और क्या स्टेट लिस्ट, या उसके बाद सर कैसे होता है स्टैंडिंग कमिटी, एक थिंकिंग बोलते ना कि थिंक टैंक, एक ऐसे होशियार लोगों को बिठाया जाता है जो उस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में, लॉ के बारे में सोचते हैं, एंड देन आफ्टर जर्नी मैंने जैसे आपको कहा वैसे चलती रहती है। हाँ सिंपल सर, ये क्या है चीज करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये इतनी बड़ी बात है क्या सर? मेरे दोस्तों आपने बीच में एक न्यूज सुनी रहेगी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। नाउ यू मे थिंक कि सर वो क्या बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी सर। वहां पे आर्टिकल जब 370 को हटाया जम्मू एंड कश्मीर में से, एक वर्ड था वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी करके, इसीलिए सिर्फ हम लोगों को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई, मेहनत बहुत ली गवर्नमेंट ने, वो विल पावर था जिसकी वजह से हो पाया। सर आपको अगर पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले इंडिया का कोई भी पर्सन जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता था सर। तुम भारत में कहीं भी कैसे भी लैंड ले लो, तुम्हारे पास तुम अंबानी भी हो ना तो भी तुम जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते थे। ये आर्टिकल 370 के पहले बात थी। दूसरी बात, अगर भारत के कोई भी राज्य का लड़का जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में, मतलब जम्मू कश्मीर में जो लड़की रहती है उससे अगर वो शादी करता है तो उस लड़की का जम्मू कश्मीर का जो भी वो रेसिडेंट रहेगी ना वो हट जाता है। मतलब बंदे को तो वहां का वो नागरिक तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन लड़की का भी क्या हो जाएगा, उसको बोला जाएगा तू जम्मू कश्मीर नहीं रहती, इट इज लाइक दैट कि जाओ। और अगर एट द सेम टाइम पाकिस्तान का बंदा अगर जम्मू कश्मीर के साथ शादी करता है ना तो उसको जम्मू ही रहता, मतलब जो बोलते ना जम्मू कश्मीर का जो भी रेसिडेंसी वो मिल जाता था करके। सो इतना तो भयानक लॉ था, इसलिए टेररिज्म बढ़ रहा था। तो सर ये 370 और बहुत सारे रीजन थे, ये तो मैंने कुछ बेसिक बताया आपको, फ्लैग क्या होना, इंडियन फ्लैग को पैर के नीचे बोलो अगर कुछ कर रहे तो उनके उन पे कोई केस नहीं होता था, बहुत सारी बातें थी जो देख के खून खोल जाता था। तो इसीलिए सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोगों ने ये वाला आर्टिकल का जो मिसयूज कर रहे थे इसको ही हटा दिया। लेकिन सर भले ये थे मानो कुछ साल पहले, आप तो बोलोगे ठीक है सर आज तो बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन आप पहले पढ़ते थे कि एक्सेप्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर करके, लेकिन फिर भी ना इन पांच बातों में जब 370 हुआ करता था, इन पांच बातों में कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डिफेंस, इलेक्शन एंड दैट फॉरेन पॉलिसी एंड मनी, ये ऐसे नहीं था कि जम्मू कश्मीर अपना करेंसी बनाएगा। इन पांच बातों में ना सेंट्रल के हाथ में लॉ थे हर बार, डिफेंस हो, फॉरेन पॉलिसी हो, मनी हो, कम्युनिकेशन हो। जैसे कि बहुत बार हमने सुना है कि वहां पे BSNL या ऐसे कुछ तो ही, मतलब लिमिटेड ही सिम कार्ड चलते करके अपने इंडिया, मतलब अपन हम जो यूज करते वैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं उन लोगों के पास, एंड सो ऑन। ठीक है, एनीवेज ये नॉर्मल सा बात था, आपको जैसे अभी आप नए लॉ पढ़ोगे तो आपको वहां पे समझ जाएगा, और होप्स अब ये वर्ड नहीं आएगा आपको एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे केसेस में, राइट दोस्तों। या अब तो हो गया दो बातें सर, अब और थोड़ा मुद्दे पे आते हैं जिसमें आपको समझेगा हाउ टू स्टडी अ पर्टिकुलर एक्ट। सर कोई भी एक्ट अगर बनता है ना वो ऐसे सिक्वेंस में होता है, लेट्स सी सर, एक्ट होता है, चैप्टर होता है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, ऐसे करके चीजों को बनाया जाता है। जैसे कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर है, जैसे कंसिडरेशन एक चैप्टर हो गया, राइट, कि कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये एक चैप्टर हो गया, उसके अंदर सेक्शंस दिए जाते हैं, सेक्शन 1 ये कहेगा, सेक्शन 5 ये कहेगा, सेक्शन 7 ये कहेगा, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होता है, सब सेक्शन के अंदर क्लॉज होता है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज होता है, तो ये पढ़ते तो आना चाहिए, बराबर है कि नहीं सर? हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको वो चीज पे लेके आता हूं, देखो दोस्तों मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में लिखा था, लिख के दिया था करके, ध्यान से इस चीज को देखना, एक मिनट है, मैं ज़ूम करता था कि आपको परफेक्ट दिखे। बहुत बार ना बच्चों को यही रीड करने में तकलीफ हो जाती है, लेकिन अभी नहीं होगा, आई होप, राइट।
सर आप इसे क्या पढ़ोगे? सेक्शन। इसे क्या पढ़ोगे? सबसेक्शन। सर ये क्या होगा? क्लॉज। सर ये क्या होगा? सब क्लॉज। समझ में आया क्या? तो अगर आपको सिर्फ ये से दिया कुछ, ये आपको समझा क्या? सेक्शन टू, सबसेक्शन वन, क्लॉज वन, सब क्लॉज ए, राइट सर? अब मैं आपको पढ़ने को देता हूं, आप लोग भी हेल्प कीजिएगा मेरे, राइट? चलो बताओ दोस्तों, ये कैसे पढ़ोगे आप? सॉरी वन है ये, इतना ही बोलो मुझे। चलो सेक्शन टू, सब सेक्शन वन, क्लॉज बी, और अगर मैंने ये लिख दिया तो सब क्लॉज ए। तो ये जो बातें थी ना, बहुत सिंपल सी बात थी है। आपको याद रखना है कि डेफिनेशन हर चीज की लॉ में दी होती है, लेकिन ये तो रीडिंग का मैंने बात बता दिया। बहुत बार जनरल आप देखोगे तो सारी डेफिनेशन ना, मेजरी डेफिनेशन सेक्शन टू में दे दी होती है। सर डेफिनेशन समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों लॉ मेकर जितने भी लॉ में वर्ड्स लेते हैं ना, हर एक वर्ड, हर एक शब्द का अपना एक मायना होता है, अपना एक अंडरस्टैंडिंग होता है, बिना मतलब के कोई भी शब्द वहां पे नहीं आता करके। तो सर मतलब मेरे को समझा नहीं ये चीज, अच्छे से बताओ ना। मैं बोलता हूं ठीक है बताता हूं करके। अब ना आपको मैं बताता हूं कि पर्टिकुलर एक्ट में, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लॉ था, लैंड एंड बिल्डिंग, ये वर्ड आया, लैंड एंड बिल्डिंग ये वर्ड आया, ये था सेक्शन नंबर 15। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 15 जब मैं पढ़ रहा था तो उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते वक्त लैंड एंड बिल्डिंग ये वर्ड आया। अब दोस्तों मुझे समझना है एज आर्किटेक्चर कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, और यहां पे दिया है सेक्शन 15 डज नॉट डिफाइन व्हाट लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा सेक्शन 15 ने लैंड एंड बिल्डिंग को डिफाइन नहीं किया है। अच्छा सर, तो सर इसने डिफाइन नहीं किया, लेकिन मेरे को तो देखना है लॉ में इसका मतलब क्या होता है। मैं नीचे देख रहा था सेक्शन 17, सेक्शन 17 में ना लैंड एंड बिल्डिंग का डेफिनेशन दिया था। सर क्या मैं रेफर कर लू क्या? सर मेरे को 15 में चाहिए था, उन्होंने बोला 15 में कुछ डिफाइन नहीं किया है। मैं 17 में देख रहा हूं, मेरे को दिख रहा है 17 में डिफाइन है। तो सर जी क्या मैं इस डेफिनेशन को उठा लू क्या? नहीं राजा, तुम कोई भी क्रॉस सेक्शन के डेफिनेशन को नहीं उठा सकते। अगर तुमको लैंड एंड बिल्डिंग का डेफिनेशन चाहिए तो तुमको कहां पे जाना पड़ेगा? सर सेक्शन 2 में जाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सेक्शन 2, जहां पे जनरल जितने भी लॉ आपको मीनिंग समझना है वो सारे यहां पे डिफाइन करके दिए हुए करके। तो अगर आपको पर्टिकुलर सेक्शन में कोई मीनिंग नहीं मिलता और उसी के रिगार्डिंग कोई नीचे के सेक्शन में दिया है तो उठा मत लेना। आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सेक्शन 2 पे जाएंगे सर हम। कहां पे जाएंगे? सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन है वहां से समझेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग में एक्चुअली क्या क्या चीजें आती है या क्या डेफिनेशन है। समझा क्या आपको? यस सर। लेकिन सर सेक्शन 15 में जैसे लिखा है कि डज नॉट डिफाइन इन सेक्शन 50 बट यू मे रेफर डेफिनेशन डिफाइन अंडर सेक्शन 17, तो क्या हम रेफर कर सकते हैं क्या? अगर उन्होंने बोला है तो रेफर कीजिए, नहीं बोला तो रेफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर सर और एक सवाल है, सेक्शन 2 में भी अगर आपको डेफिनेशन नहीं मिलता तो क्या करे? दोस्तों ये इसीलिए पढ़ो ताकि आप कहां पे क्लास कर रहे हो, आप क्या नॉलेज ले रहे हो, आप अपने सीनियर के साथ भी बात करोगे ना तो भी आपको ये जो कॉमन बातें, कॉमन सेंस की बातें, ये चीजें आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और जब आप ऐसी बात करते हो तो आपको अपने आप में लगता है नहीं यार कुछ भारी डिस्कशन हुआ आज, कुछ अच्छा लगा करके बात करके। समझ में आ रहा है क्या? और ये जो फीलिंग रहता है ना बहुत अच्छा रहता है करके। तो मैंने क्या कहा, अगर मेन सेक्शन में नहीं मिल रहा है आप सेक्शन 2 में जाइए। सेक्शन 2 में भी अगर चीजें नहीं मिल रही है तो दोस्तों जनरल क्लॉज एक्ट, जीसीए लिख लो, जनरल क्लॉज एक्ट, इसमें सारे वर्ड के डेफिनेशन, वर्ड्स के डेफिनेशन दिया होते हैं करके। तो आपको अगर वहां पे मिले तो जनरल क्लॉज एक्ट पे चले जाना, नहीं मिला तो कॉमन पैरेलेंस। कॉमन पैरेलेंस मतलब सर COM, कॉमन PR, पैरेलेंस मतलब सर ये वर्ड आम जनता में, सामान्य जनता में इसका क्या मतलब होता है वो आपको समझना है। आई होप यू गेट इट।
समझ रहा है बराबर। सर सीक्वेंस बोलो ना वापस। डेफिनेशन अगर आपको पर्टिकुलर जैसे सेक्शन 15 में कुछ आपने पढ़ा उसमें नहीं मिला आपको डेफिनेशन, सेक्शन 2 में जाइए। सेक्शन 2 में नहीं मिला जनरल क्लॉज एक्ट में जाइए। जनरल क्लॉज एक्ट में नहीं मिला फिर कॉमन पैरेलल्स देखें कि आम इंसान और आम भाषा में या मेजोरिटी कॉमन सेंस में इस वर्ड का क्या मतलब होता है करके। समझ रहा है आपको? या सर डन एवरीबॉडी? यस दोस्तों, तो ये मैंने सेक्शन कैसे पढ़ना है वो बता दिया। और भी आपको कुछ बातें जो जरूरी है, अगर आगे के लेक्चर में जैसे जैसे मुझे लगता है कि उस मोमेंट पे ये चीज बताना जरूरी है मैं आपको बताते रहूंगा। या ना सर और आगे जाते थोड़ा। या सर आपने दो डेफिनेशन पढ़ी होगी, एक डेफिनेशन आपने आपने पढ़ा होगा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन और एक है इंक्लूसिव डेफिनेशन। आई थिंक सो ना, मैंने लिख के भी रखा है, एक मिनट। हाँ या पे अटेंशन। टू टाइप्स का डेफिनेशन होता है, एक एग्जॉस्टिव एक होता है इंक्लूसिव। सर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मतलब क्या? ये ऐसा डेफिनेशन होता है कि इसके बाद इसमें कुछ भी ऐड होना बाकी नहीं है करके, ये फाइनल वन है, लोड नहीं लेने का आपने जिंदगी में, ये डन है, मतलब ये इसका विशेष खत्म है अभी। समझ रहा है क्या? ये फाइनल डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव मतलब इसमें स्कोप रहता है और कुछ चीजें ऐड होने का। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि सर मैंने ना एक डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल पेट का डेफिनेशन है राइट, और इस केस में जो भी पालतू प्राणी मेरे आने वाले हैं उन्होंने उसमें लिखा काउ डॉग अरे हाँ एक्सेट्रा एसीटी एक्सेट्रा। सर ये क्या हो जाता है? इंक्लूसिव डेफिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे स्कोप है, सिर्फ काउ और डॉग पे नहीं रुकेगा जर्नी। आप लोगों को जितने भी पालतू प्राणी याद आ रहे हैं आप सब इस डेफिनेशन में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। लेकिन सर क्या मैं टाइगर को ले लू क्या यहाँ पे? ना सर ना। क्यों नहीं ले सकता सर? अबे ढोकलो तुम समझो कि ये चीज जो है पालतू प्राणी की बात की है आप, मतलब भले नहीं बोला या फिर वो बता रहे इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है। जो नॉर्मल जो ऐसे एनिमल्स है जो आपको हार्म नहीं पहुंचा सकते, इंक्लूसिव में भी एक इंटरप्रिटेशन रहता कि नहीं, कॉमन सेंस यूज करता रहता कि नहीं, ये भी एक ये लॉ में एक सीखने का तरीका, एक इस पे भी एक बहुत बड़ी किताब है कि इंटरप्रेट कैसे करना है लॉ को राइट। तो इस केस में काउ डॉग जब आए तो इंटरप्रिटेशन ये जाएगा कि यहाँ पे जो एनिमल हार्म नहीं पहुंचाते वो आने वाले हैं, बाकी के एनिमल आएंगे क्या? नहीं आएंगे सर, तो टाइगर के तो सवाल ही नहीं आता। मुद्दा क्या था सर? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी लेफ्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं बचता सर, कोई भी कुछ भी चीज नहीं बचती, सब चीजें इंक्लूसिव, मतलब सब चीजें एकदम परफेक्ट है। इंक्लूसिव में कुछ चीज आप ऐड कर सकते हो। यस सर। नाउ बहुत बार दोस्तों आपको ऐसे भी देखने मिलेगा कि कभी कभी कोई डेफिनेशन ऐसे बताते हैं यू मे कम। अब वर्ड क्या आया सर? मे, तो मतलब क्या? ये ऑप्शनल हो जाता है, मतलब सर ये इसमें थोड़ा ना बोलते ना स्ट्रिक्टनेस कम है, ऑप्शन है करो या मत करो। लेकिन यू शैल कम मतलब सर कंपलसरी आना पड़ेगा। क्या हो जाता है शैल और मे, फर्क समझ रहे हो क्या? तो हर एक चीज बहुत डिटेल में हम आगे करने वाले हैं करके, लेकिन कुछ लॉ का ये स्ट्रक्चर था जो आपको बताना बहुत जरूरी था दोस्तों, और आपको समझना भी बहुत सही तरीके से समझना भी चाहिए था करके। ना मेरे भाई और बहनों, सीए फाउंडेशन की बात करूं तो हमको दो लॉ डिवाइड, पांच लॉ है एक्चुअली, मतलब 60 मार्क का जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन में, पांच लॉ है जिसमें तीन हमारे है बिजनेस लॉ और दो हमारे है कॉर्पोरेट लॉ। सर बिजनेस लॉ में आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स टैक्स एंड पार्टनरशिप एक्ट। अब देखोगे तीनों के साल तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको दिख रहा है 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको दिख रहा है 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट दिख रहा है आपको 1932। और आप कहोगे सर लेकिन इंडिया तो आजाद हुआ 1947 में, मतलब हमारी सरकार, हम इंडिपेंडेंट कब हुए? 1947। ये सारे एक्ट क्या है? बिफोर आजादी। तो सर समझ नहीं रहा कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन भी आया ना 1949 में, आपने तो कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर लॉ ही नहीं बनता या उसके उनको फॉलो किया भी लॉ नहीं बनता। अब ये क्या चीज है बहुत, और ये सवाल आने चाहिए भले आप लाइव नहीं हो, प्री रिकॉर्डिंग में हो, और आपको आपके जहन में या हो सकता है आपके पूरे बैच में से किसी के दिमाग में सवाल आया रहेगा जब मैंने ये बात बोली, जब उसने ये ईयर देखे, तो बहुत ही वैलिड सवाल है दोस्तों, क्यों ना आए सवाल, आने चाहिए दोस्तों। अंग्रेजों ने कुछ बातें सही भी की थी हमारे लिए,
एक्ट ऑलरेडी वो बना के गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद एक एक क्लॉज या फिर एक शेड्यूल में ऐसे भी, ताकि देखिए क्या ये देश हित में है क्या। अगर देश हित में है तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। और ये कहीं ना कहीं लगा हमको कि ठीक है बाबा, इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हमको, इसलिए हमने ये चला दिए एक्ट। समझ रहे आपको? तो ये तीन एक्ट है, जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कॉर्पोरेट लॉ की बात करो तो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपने देखा होगा, एंड कंपनीज एक्ट, ये दो एक्ट भी हमें पढ़ने है करके। आई होप दोस्तों आपको बेसिक में आज ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ना लॉ का एक एटलीस्ट 10% तो भी फ्रेमवर्क समझ गया होगा कि क्या रहता है करके। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं पे हम रुकते हैं। और भी अलग अलग सेशन में हम लोग अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट सीखेंगे बेसिक में। बहुत सारी बातें हैं बताने जैसी, राइट? मैं आपको टाइम टाइम पे सारी चीजें बताऊंगा और फिर ऐसे हमारी जर्नी चलती रहेगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।